Good afternoon, student. Today's NIT class, we will read our next session, session number 4, Natural Resource Conservation of our chapter number 5, Green Skills. आज हम बेटा चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट सेशन रीड करेंगे जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में. नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब ऐसे प्राकृतिक स्रोत्र जो हम अपने एनवायरनमेंट से अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं इंसान जीवित रहने के लिए अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें उन्हें कैसे बचाकर रखना चाहिए और कितना मात्रा में यूज़ करना चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वट पीपल कैन यूज़ विच कम्स फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर देयर वेलफेयर. नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो पीपल लोग प्राप्त करते हैं नेचुरल हमारे प्राकृतिक एनवायरनमेंट से अपने जीवन जीने के शैली के लिए. रिसोर्सेज दैट नेचर हैज़ गिवन अस आर सॉयल एयर वाटर मिनरल सनलाइट कोल एनिमल्स एंड प्लांट्स एट्सेट्रा. रिसोर्सेज जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं हमारी मिट्टी हवा पानी मिनरल्स धूप रोशनी हमारे प्लांट्स हमारे पौधे एनिमल्स कोयला ये सब कुछ फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं. दीज रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड बाई ह्यूमन बींग्स फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवल एंड सब्सटेंसेस. ये रिसोर्सेज इंसान यूज़ करता है अपने पर्पज सॉल्व करने के लिए अपनी जीवन शैली जीने के लिए. दीज आर बेसिकली देर आर टू बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दो मेन नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली हमारे एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल जिन्हें हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं नया बनाकर नॉन रिन्यूएबल जिन्हें हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड नेचुरली बाय द नेचर जो नेचर के द्वारा प्रकृति के द्वारा ही दोबारा से उगाए जाते हैं आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर सॉइल एयर पानी हवा मिट्टी ये सब. नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड नेचुरली बाय द नेचर जिन्हें नेचर के द्वारा दोबारा से ही निर्माण नहीं किया जाता और रिसोर्सेज दैट वुड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रीजनरेट और जिन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है दोबारा से जनरेट होने में उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं जैसे कि हमारा कोल हो पेट्रोल या हमारे फ्यूल्स जो हैं. यहाँ हमें एक टेबल के द्वारा दिखाया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल. प्लांट्स एनिमल्स एंड नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स हो गए फॉसिल फ्यूल्स हो गए सॉइल हो गया ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल हो गए. अर्थ इज हैबिटेट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इंसान के लिए धरती ही एक ऐसी जगह है जहाँ वो सर्वाइव कर सकता है. मैन बींग अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट जो इंसान है वो उस वातावरण का हिस्सा है इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड इट्स पार्ट्स उसके एनवायरनमेंट पर और उसके पार्ट्स पर डिपेंड है. हुमेन गेट्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ मैन काइंड इज डायरेक्टली लिंक टू द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन इट. इंसान जो है वो इन्हीं रिसोर्सेज से जो हमारे एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज मिलते हैं उन्हीं के बेस पे सर्वाइव करता है उन्हीं से लिंक करता है और नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें वो एनवायरनमेंट जीवन जीने के लिए जीवन शैली और हमें जो नीड्स हैं उन सबको फुलफिल करता है. If the natural resources are not conserved or not utilized properly, then along with natural resources, human beings will also disappear from the earth. कह रहा है अगर हम natural resources को ठीक से सही मात्रा में और सही तरीके से use नहीं करेंगे तो natural resources तो धरती से हमारे पृथ्वी से धीरे धीरे विनाश होगी ही साथ ही हमारा जो इंसान है उसकी भी जो जीवन जीने की क्षमता है वो भी खत्म होती जाएगी. बींग द मोस्ट सुपीरियर क्रिएचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंटेलिजेंस कह रहे इंसान को धरती पर सबसे अच्छा क्रिएचर यानी कि एक निर्माण बनाया गया है एक समझदारी के साथ. हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम जिसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायी बन जाता है कि उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज का सही मात्रा में सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रहना चाहिए. एंड सो देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न दैट रिसोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल्स मे डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स ऑनिंग टू द एक्सप्लोइशन एंड ओवर यूज. वो कह रहा है ये बात ध्यान रखने योग्य है इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे हम फ्यूल्स का फॉसिल फ्यूल्स जैसे रिसोर्सेज का हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगे हैं उसकी वेस्टेज करने लगे हैं तो ये हमारे आने आने वाले समय में दशकों में ये लुप्त हो जाएगा जिससे कि फ्यूचर में हमारी आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम होगी. कंजर्वेशन इज द टर्म कंजर्वेशन एक ऐसी चीज है यूज है जिसे हम यूज करते हैं टू डिनोट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लोइशन ओवर यूज डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन. कह रहे कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना एक सही तरीके से यूज करना नेचुरल रिसोर्सेज को उनको कितनी मात्रा में यूज करना है उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाना है उसका नाश नहीं होने देना है
सही मात्रा में इस्तेमाल करना, सही तरीके से प्रयोग करना, उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सॉयल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर यूजफुल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। कंजर्वेशन का मतलब है हमारे पास ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना, उस मात्रा में यूज करना जो रिसोर्सेज हमें ज्यादा मात्रा में रिप्लेस हो सकते हैं नेचर के द्वारा, उन्हें ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना चाहिए। दैट मीन्स हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ ग्रेट यूटिलिटी, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड रिक्रिएशनल। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारी इकोनॉमी में भी, रिक्रिएशनल में भी, बायोलॉजी में भी। हैंस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम फ्यूचर के लिए इसे कंजर्व यानी स्टोर करके रख सकें, उसका यूटिलाइज हम सही मात्रा में सही तरीके से करें। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द कंसर्न फॉर कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज इज ग्रोइंग रैपिडली थ्रू आउट द वर्ल्ड। विद द स्पीड एट दीज विच दीज रिसोर्सेज आर बींग यूज स्टेम्स द फियर दैट दे वुड सून बिकम स्केयर एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ अ कॉमन मैन। कह रहे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे के लिए हमें कंसर्न रखना चाहिए कि हमें जितने ज़्यादा हो सके उतनी मात्रा में जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को ग्रो करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में हमें लगाने चाहिए ताकि हमारे संसार में इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। हम जिस स्पीड से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हमें ये डरना चाहिए कि आने वाले समय में कॉमन मैन जो आम आदमी है वो इसकी उस रिसोर्सेज जो हैं वो उस आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो जाएंगे। तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेव करना चाहिए, सही तरीके से उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए, सही मात्रा से हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। द एम्फेसिस ऑन कंजर्वेशन of resources is also increasing day by day so that even our future generation can also use benefit for natural resources. वो कह रहे हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें ये संतुलन बनाए रखना चाहिए कि हम natural resources को उतने ही मात्रा में use करें ताकि आगे आने वाली generation भी उसे उस मात्रा में use कर सके और वो उसके लिए भी beneficial हो। Historically India has always respected and worship nature. जब हम इतिहास को देखें तो हमारा जो हिंदुस्तान, हमारा जो भारत देश है वो वर्शिप नेचर में यानी कि धर्म के रूप में बहुत मान्यता रखता है। दिस इज एविडेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म सच एज ट्रीज लाइक तुलसी, पीपल एटसेट्रा एंड एनिमल सच एज काउज एंड स्नेक। कह रहे पूजा जाता है पेड़ों पौधों को भी, जानवरों को भी, जैसे तुलसी को, पीपल के पेड़ को पूजा जाता है, जानवरों में, इन पशुओं में, काऊ को, स्नेक को पूजा जाता है। इवन नाउ नॉन लिविंग फॉर्म सच एज माउंटेन्स लाइक कैलाश पर्वत, गोवर्धन पर्वत एटसेट्रा। कह रहे यहाँ तक कि हमारे जो पहाड़ हैं, कैलाश पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है, इन्हें भी हम पूजते हैं। एंड रिवर सच एज और नदियों में जैसे गंगा, यमुना, इन सब को भी हम पूजते हैं। इन रिसेंट टाइम्स मास मूवमेंट्स हैव बीन लॉन्च्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। मास मूवमेंट का भी अब इस समय में प्रयोग किया गया ताकि हम लॉन्च किया गया जिससे कि हम कंजर्व कर सकें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। चिपको मूवमेंट का यूज़ किया गया यानी कि चिपको एक ऐसा आंदोलन चलाया गया जिससे पेड़ों को कट करने से हम बचा सकें। वेयर वुमेन ऑफ गोस्टसर विलेज इज गेडवन हैज द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। कहता है यहाँ तक कि औरतों ने भी अपना अभियान चलाया कि पेड़ों को कम से कम मात्रा में काटा जाए और उसे कटने से बचाया जाए। विच लीड टू द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर कैचमेंट एरिया ऑफ 12,000 स्क्वायर मीटर्स। अनदर मूवमेंट कॉल्ड नमामि गंगा फॉर क्लीनिंग द रिस्टोरिंग द इको सिस्टम इन द रिवर गंगा हैज बीन लॉन्च। कह रहे हैं जिससे कि जो औरतों ने मेहनत करी, उन्होंने एक अभियान चलाया उससे कि फॉरेस्ट को जंगलों से कटने से बचाया गया, उसको कंजर्व करवाया गया, उसे बचाया गया और 12,000 स्क्वायर मीटर तक पानी जो है वो पहुंचाया गया। और दूसरा एक हमारा एक अलग अभियान चला जिसमें नमामि गंगा के नाम से, जिसमें गंगा नदी को रिस्टोर कराया गया, इको सिस्टम उसको साफ करवाया गया ताकि वो एज इट इज साफ रह सके और हमारे फ्यूचर आने वाले जनरेशन के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल हो। ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल बताना है। आंसर कॉयल, ऑयल वेल्स में ड्राई इन फ्यू ईयर्स ड्यू टू ऑयल जो है वो बहुत जल्दी आने वाले समय में क्यों ड्योर हो जाएगी, क्योंकि उसका हम ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं। डेयर सेक्टर कंज्यूम्स मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल्स एंड कॉजेज लॉट ऑफ पोल्यूशन। क्या है जो सबसे ज्यादा फ्यूल्स को यूज करता है और पोल्यूशन का कारण बनता है? ट्रांसपोर्ट। डैश रिसोर्सेज आर यूटिलाइज फॉर एंड बाय ह्यूमंस फॉर देयर सर्वाइवल एंड फेयर वेलफेयर। कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इंसान को यूज करने चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए, उनके भलाई के लिए? नेचुरल रिसोर्सेज।
यूज किए जाती हैं, रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड नेचुरली, जो कि नेचुरली रिन्यूड नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हिस्टोरिकली इंडिया हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड नेचर, जो हिस्टोरिकली है वो इंडिया हमेशा क्या करता है, नेचर की, प्रकृति की रिस्पेक्ट करता है। नाउ द क्वेश्चंस, डिफाइन कंजर्वेशन, यहाँ हमने रीड किया था कंजर्वेशन, ये हमारा टॉपिक बनता है, डिफाइन कंजर्वेशन एंड इट यूजेस, मीनिंग निकलता है। नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में विद एग्जांपल्स हमें डेफिनेशन देनी है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, आपको इस रिलेटेड एक्सरसाइज लर्न करनी है, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं एंड लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।